रुक करते हैं अब धर्मशाला की ओर, जहां पर तिब्बत के द्वारा 73वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर तिब्बत के निर्वासित तिब्बत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने झंडा फहराया और सभी को शुभकामनाएं दी। रुक करते हैं अब धर्मशाला की ओर। आज भारत का आज़ादी का दिन है, ये खुशी का दिन है क्योंकि 73 ईयर्स अगो भारत को स्वतंत्रता मिला, तो उस दिन से अभी तक भारत का उन्नति हुआ है। हम भी यही चाहता है कि भारत देश का इकोनॉमी उन्नति हो और एम्प्लॉयमेंट फैले, सबको खुशी बांटे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अच्छे दिन जो है सबको मिले, ये हम मानते हैं। जो हम तिब्बती लोग जितने भी भारत सरकार और भारत जनता ने हमारे लिए किया, किसी और देश और जनता ने नहीं किया, क्योंकि हमारा परम पावन दलाई लामा जी धर्मशाला में है, हिमाचल में है। सो ये जो सुंदर हिमाचल स्टेट हमारा होस्ट है, हम बहुत यहाँ पे सेटिस्फाइड है उनका सपोर्ट के कृपा से। इसलिए हम आज़ादी दिन को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ रक्षाबंधन के ऊपर। हाँ, आज रक्षाबंधन का दिन भी है और हमारा टिबेटन लूनर कैलेंडर के अनुसार वो फुल मून डे भी है, इसलिए आज दिन अच्छे दिन मिला हुआ है। हम यही मानते हैं कि अगर आप फुल मून डे में प्रार्थना करेंगे तो एक प्रार्थना को हजारों प्रार्थना का वो फल मिलते हैं। तो आज सब प्रार्थना करें और जो राखी बांधते हैं, अपने भाई बनाते हैं, वो भाई और अपने संबंध रिलेशनशिप बनते हैं, वो अच्छे भाई सक्के भाई से जैसे ही रिलेशनशिप हो और जिंदगी भर आपको आप दोनों एक दूसरे को देखभाल करते रहो, यही हम मानते हैं। सर, होंगकोंग में स्थित करेंगे तो ये तो सवाल भी नहीं है। नहीं, ये लो, ठीक है सर। बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट टू द जनरल पब्लिक एंड एज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अच्छे दिन डेफिनेटली कम फॉर जो थोसम खोए